आईपीएल 2021 का 11वां मैच उन दो टीमों के बीच खेला जाएगा जिन्हें अभी भी इंतजार है आईपीएल के पहले खिताब का। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच के बारे में। यह आज का दूसरा मैच होने वाला है क्योंकि पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच देखने को मिलने वाला है। इन दोनों ही टीमों में एक बात जो कॉमन है वो यह है कि दोनों ही टीमें अभी तक एक भी आईपीएल का खिताब जीत नहीं पाई है और दोनों ही टीमें एक एक बार फाइनल तक पहुंच पाई है लेकिन जीत नहीं सकी। ऐसे में 2021 में वे फिर जीतने के लिए उतरी है। कप्तान होंगे ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के और पंजाब किंग्स की कमान होगी केएल राहुल के हाथों में। दोनों ही टीमों के पास शानदार बल्लेबाजी के साथ एक दमदार बॉलिंग भी है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और इतिहास भी यही कह रहा है कि जब जब दिल्ली और पंजाब का मैच हुआ है तब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दरअसल अगर बात करें हम इन दोनों ही टीमों के हेड टू हेड कंपैरिजन की तो आपको बता दें अब तक दोनों ही टीमों के बीच 26 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 11 मैच दिल्ली ने जीते हैं और 15 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं। यानी कि इतिहास तो यह कह रहा है कि पंजाब किंग्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है दिल्ली कैपिटल्स से, लेकिन पिछले दो सालों से दिल्ली कैपिटल्स जिस फॉर्म में नजर आ रही है पंजाब किंग्स के लिए ये मुश्किल होगा उन्हें हराना। अगर हम बात करें लास्ट 5 मैचों की तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी है। 5 मैचों में से 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं और 2 मैच पंजाब ने जीते हैं। यानी कि दोनों ही टीमों के बीच एक शानदार मैच होगा, दमदार बॉलिंग देखेगी और शानदार बैटिंग का प्रदर्शन होगा। बात करते हैं दोनों ही टीमें जब आमने सामने होती है तो कौन कौन से रिकॉर्ड बनते हैं। अगर बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर की दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब के बीच में तो दिल्ली की ओर से हाईएस्ट स्कोर वर्सेस पंजाब 231 मारा गया है जबकि लोएस्ट स्कोर बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 67 रन। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने पंजाब किंग्स ने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है 202 रन एक मैच के अंदर और सबसे कम 104 रन। तो इस प्रकार से हमने बात की दोनों ही टीमों के बीच में आमने सामने कैसा प्रदर्शन दिखाती है उसके बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मैच का प्रेडिक्शन, प्लेइंग 11, फैंटेसी 11 और पिच रिपोर्ट। तो देखते रहिएगा वीडियो को, लेकिन उससे पहले आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले विन प्रेडिक्शन तो बताएंगे लेकिन आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी ये कमेंट में आप बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर बात करें दोनों ही टीमों के मजबूती की तो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स दोनों के पास ही शानदार बैटिंग और दमदार बॉलिंग है। बॉलिंग में अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के पास बेस्ट बॉलर है। पंजाब किंग्स के पास चाहे मोहम्मद शमी है, अर्शदीप सिंह है, तो वही दिल्ली कैपिटल्स के पास कागिसोरा बाटा है और उनके अलावा नोरखिया की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में एनरिच नोरखिया भी शानदार बॉलिंग करते हैं जैसा कि उन्होंने पिछली बार शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। अब दोनों ही टीमों के बीच बॉलिंग तो लगभग एक सी है लेकिन अगर बात करें बैटिंग की तो बैटिंग में भी लगातार देखा जा रहा है कि केएल राहुल का बल्ला बोल रहा है। पिछले साल के सबसे ज्यादा रन स्कोरर केएल राहुल वर्सेज होंगे दूसरे नंबर सबसे ज्यादा रन स्कोरर शिखर धवन। दोनों ही ओपनर है और दोनों ही भारतीय टीम की तरफ से भी ओपनिंग के तौर पर खेलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शानदार ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। इनके साथ आते हैं मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शो, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, कुछ मैचेज में अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, कुछ में नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें तीसरे नंबर के बल्लेबाज की तो तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के पास वो खिलाड़ी है जिसका बल्ला जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर भी बोना नजर आता है। बात करते हैं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की। क्रिस गेल तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलने उतरते हैं, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाजी करते हैं जिनकी स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहती है और यहां से नजर आता है कि किस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आज कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है।
इनके अलावा पंजाब के पास निकोलस पूरन है, दिल्ली कैपिटल्स के पास मार्कस स्टोइनिस है, सैमरन हेटमा है और भी कई सारे बल्लेबाज और बॉलर हैं जिनके एक्शन से मैच पलट सकता है। तो देखते रहिए, आगे हम बात कर रहे हैं पिच रिपोर्ट की। तो वानखेड़े स्टेडियम में लगातार पिछले दो मैचों से कम स्कोरिंग वाला मुकाबला रहा है, तो ऐसे में तेज गेंदबाजों सहित स्पिनर्स को भी खासा फायदा मिलने वाला है। और अगर बात करें टॉस जीतने के बाद क्या चुना जाएगा, तो टॉस जीतने के बाद जीतने वाली टीम बॉलिंग चुन सकती है और इससे सामने वाली टीम को कम स्कोर पर रोका जा सकता है। और पहले बैटिंग करने वाली टीम यही चाहेगी कि उनका स्कोर 170 के आसपास बन जाए और फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सके जिससे कि उनकी जीत हो सके। ऐसे में पिच शानदार है, बॉलिंग के लिए अच्छा है, पिछले दो मैचों से लगातार यही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की कि क्या क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीमों की, तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने उतरते हैं शिखर धवन और पृथ्वी शो, इस मैच में भी वही उतरेंगे। इनके बाद ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान ये वो बॉलर है जो कि लगातार पिछले दो मैचों से शानदार प्रदर्शन दे रहा है। क्रिस वॉक्स, शानदार बॉलिंग देखने को मिली थी पिछले मैच में। कागिसो रबाडा और टॉम कुरन की जगह नोरखिया को सम्मिलित किया जा सकता है। पिछले मैच में ये प्लेइंग 11 रही थी, लेकिन इस बार जब नोरखिया आ गए हैं तो नोरखिया को सम्मिलित किया जाएगा। पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पंजाब किंग्स की ओर से केएल राहुल कप्तान, जो कि ओपनिंग करने उतरेंगे, इनके साथ मयंक अग्रवाल, उनके बाद क्रिस गेल, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, मोहम्मद शमी, क्रिस जॉर्डन, चाई रिचर्डसन, रवि विश्नोई, अर्शदीप सिंह, ये प्लेइंग 11 हो सकती है। अब अगर हम बात करें फैंटेसी टीम की, तो आपको बता दें केएल राहुल, ऋषभ पंत, क्रिस गेल, शिखर धवन, पृथ्वी शो, दीपक हुड्डा, क्रिस वॉक्स, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और कागिसो रबाडा हो सकते हैं। और यहाँ पर नोरखिया को भी टीम में लाया जा सकता है अगर वे अनाउंस होते हैं तो। ऐसे में अगर बात करें कैप्टन की, तो केएल राहुल और वाइस कैप्टन शिखर धवन रहने वाले हैं। शानदार ओपनिंग करते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से केएल राहुल पिछली बार के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और शिखर धवन दूसरे नंबर पर खिलाड़ी रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। शिखर धवन के पिछली बार 2 शतक भी देखने को मिले थे। इस साल भी शिखर धवन ने शानदार शुरुआत की है और वैसी ही शुरुआत केएल राहुल ने भी की थी, लेकिन दूसरे मैच में दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन जरा फीका नजर आया और इसी वजह से तीसरे मैच में कुछ भी हो सकता है। विन प्रेडिक्शन की बात करें तो इतिहास गवाह है, पंजाब और दिल्ली के बीच में पंजाब ने ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन अगर रिसेंटली बात करें तो 5 मैचों को भी हम ठुकरा नहीं सकते हैं। पिछले 5 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो पिछले साल से नजर आई है वो शानदार है, शानदार युवा टीम खेलती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के जीत के चांसेस भी बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी टीम जीतेगी। बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ, हर एक मैच के ऐसे रिव्यू लेकर आएंगे, प्रीव्यू लेकर आएंगे। देखते रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ आईपीएल की हाईलाइट। तब तक के लिए धन्यवाद।